Assalamu alaikum students, can you listen to me? If you can listen to me, please do answer me. आपकी जी आर अगर क्लास में मौजूद है उनसे कहिए कि जरा काइंडली अपना माइक ऑन करें, मुझे बताएं कि क्या मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों के लिए. ओके वेल, अब मैं अपने हेडफोन का इस्तेमाल करूं क्योंकि आज मेरे हेडफोन में थोड़ा सा फॉल्ट है. तो अगर मैं मुसलसल बात कर रहा हूं, अगर मेरी आवाज़ रुक जाती है इस दौरान में, तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं. ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं. अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो ठीक है. आई एम टॉकिंग विदाउट हेडफोन नाउ, इट मींस कि आपको हेडफोन में माइक में आवाज़ नहीं आ रही थी. शेयर स्क्रीन कर रहे हैं, आज हम एक नया पोएट शुरू करने जा रहे हैं जी. विलियम बटलर यीट्स को हम शुरू करेंगे. इससे पहले जो पोएट टेड ह्यूज मैंने कम्प्लीट किया है, आज रात मैंने कल गुजरी हुई रात में मैंने उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए हुए हैं. अगर आप लोगों ने ग्रुप चेक कर लिया तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो काइंडली अपना ग्रुप चेक कीजिए. मैं गुज़िश्ता रात उसके तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ. आज हम डब्ल्यू बी यीट्स को शुरू करेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमने टी एस एलियट को पढ़ना शुरू किया था, और उसकी दोनों पोइम्स अभी नामुकम्मल हैं क्योंकि वो बड़ी लॉन्ग पोइम्स हैं, तो उन्हें मैंने जरा पेंडिंग रखा हुआ है. लास्ट वाले लेक्चर्स में अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह उन्हें मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और अगर टाइम ना मिल सका तो उसका एक ओवरव्यू आपको दे चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता चुका हूँ, वो आप खुद कम्प्लीट कर लीजिएगा. ओके, डब्ल्यू बी येट्स इज एन इंग्लिश पोइट. ये इनफैक्ट आयरिश पोइट था, आयरलैंड का रहने वाला था. चूंकि इसकी तमाम तर शायरी इंग्लिश में है और इसने इंग्लैंड में लंडन में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बसर किया है, लिहाजा इसे इंग्लिश पोइट ख्याल किया जाता है. और इसकी शायरी के कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप इसमें पढ़ेंगे. एक चीज यह है कि चूंकि आयरलैंड से ताल्लुक रखता था, ही वाज एन आयरिश, तो इसकी पोइट्री में आयरिश सेटिंग का बड़ा वाज़े जिक्र मिलता है. दूसरा, आयरिश फ्रीडम मूवमेंट जो कि आजादी की तहरीक थी उस जमाने में, उसका जिक्र हमें इसकी शायरी में मिलता है. इसके अलावा इसकी ज़िंदगी के बड़े मुख्तसर से हालात हैं. इसको किसी एक लड़की से मोहब्बत थी, उसे इसने दो मरतबा प्रपोज किया लेकिन उससे शादी ना हो सकी. उसने किसी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया, अगरचे इन दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे, दोस्ताना ताल्लुकात थे. लिहाजा उस लड़की का जिक्र भी इसकी शायरी में कई मकामात पर मिलता है. लेकिन जो शायरी हमने इससे रिलेटेड पढ़नी है वो ज़रा मजहबी तर्ज की है. तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं डब्ल्यू बी यीट्स की लाइफ हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ने से. 1865 में आयरलैंड में इसकी पैदाइश होती है, और इसके पेरेंट्स से मुतालिक बताया गया है कि इसकी वालदा किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाली, मोसिस खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून थी. विलियम बटलर यीट्स वॉज बोर्न इन सैंडी माउंट डबलिन आयरलैंड on 13 June 1865 in an Irish Protestant family. इसकी डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, जैसे कि आपको मालूम है कि डेट ऑफ बर्थ का मैं जिक्र किया करता हूँ. Yeats was a famous painter and intellectual. His mother, Susan Pollexfen, was from a wealthy noble Anglo-Irish family. Okay, इसकी वालदा का जिक्र हो गया, Susan Pollexfen उसका नाम था. When Yeats was hardly 2 years, his family moved to London. Although he lived in London for 14 years of his childhood, little Yeats had spent a good deal of time with his grandparents at Sligo. Sligo इनके ननियाल के कस्बे का नाम था, जिसका मैं जिक्र कर देता हूँ. कहा गया कि पैदाइशी तौर पर तो विलियम बटलर यीट्स एक आयरिश था, मगर जब इसकी उम्र 2 साल थी तो ये लंदन
हिजरत करके लंदन शहर में आ गए। हाँ अलबत्ता इस बच्चे ने यीर्स जब छोटा बच्चा था तो इसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने ग्रैंड पेरेंट्स अपने नाना नानी के साथ बसर किया। वो सलाइगो कस्बे में रहते थे आयरलैंड में और वो एक बड़ा खूबसूरत मनाजिर रखने वाला कस्बा था, लिहाजा ये शख्स फितरत के मनाजिर से मुतासिर था। ब्यूटी ऑफ नेचर इफेक्टेड हिम और उसकी नज़मों में पोइट्री में इस चीज़ का जिक्र भी मिलता है। इसकी ऑटोबायोग्राफी में विलियम बटलर यीर्स की ऑटोबायोग्राफी में इसके कस्बे का इसके ननियाल के कस्बे का और इसके मैटरनल फैमिली का इसके नाना नानी और इसके मामू वगैरह का जिक्र मिलता है। ओके हिज स्कूल हुड डेज एट सेलाइगो हैड अफेक्टेड हिज पोइटिक सेंसिबिलिटी प्रोफाउंडली। ही हैड अ fascination for the hills, valleys and lakes in Sligo. He had a special like for Irish folk songs and fairy tales. Okay, अब चूंकि ये आयरलैंड के इस कस्बे में रहता था, आयरिश एटमोसफियर ने उसके अंदाज तौर तरीकों ने ट्रेडिशंस ने इसको मुतासिर किया हुआ था, तो इसकी शायरी में हमें आयरलैंड की फोक टेल्स का रिवायती कहानियों का लोक दास्तानों का बड़ा जिक्र बड़ा अमल दखल मिलता है। और इसके अलावा इसकी कहानियों में जिनों परियों का जिक्र भी हमें सुनने को मिलता है। यीट्स ट्रस्टेड इन द फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन एंड एडमायर दोज एजेस व्हेन इमेजिनेशन रीन्स सुप्रीम। ओके इस पैराग्राफ में विलियम बटलर यीट्स की थिंकिंग मेंटेलिटी एज अ पोइट हमारे सामने आती है। कहा गया कि वो था तो नए दौर का बंदा, सन 1900 में अपनी जवानी बसर कर रहा था और वो दौर मशीन एज कहलाता है। साइंस तेजी से तरक्की कर रही थी लेकिन इसके बावजूद इस शख्स की सोच एज अ पोइट पुरानी तर्ज की सोच थी। वो मेडिवल एजेस में जाना चाहता था, मिडल एजेस के रस्म व रिवाज यानी जेफरी चौसर से भी पुराना जमाना और उस दौर की रिस्पेक्टेबिलिटीज उस दौर के एटिकेट्स इसको पसंद थे। जैसे हम इस पैराग्राफ पढ़ेंगे, ही वॉज अ ड्रीमर बाय temperament and a visionary, ख्वाब देखने वाला शख्स था, विजनरी था। ही बिलीव्ड इन फेरीज ग्नोम्स एंड डीमंस। हाँ इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि फेरीज परियों पर डीमंस ग्नोम्स वगैरह जिनों भूतों पर ये यकीन रखता था। विद सच टेम्परामेंट यीट्स फेल्ट हिमसेल्फ अ स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय साइंस टेक्नोलॉजी एंड रैशनलिज्म। बीइंग disillusioned by lack of harmony and strength in modern culture, he tried to revive the ancient to bring about unity in modern civilization which was torn by conflicts. All these factors inclined yeats towards symbolism. Okay, badi aham baat ki gayi ki agar jo ye shakhs jadid daur se taluq rakhta tha, naye zamane ka shakhs tha, lekin isne mehsoos kiya ki is jadid daur mein industrialism mein साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोगों में इत्तेहाद यूनिटी नहीं थी, मजहब और अदब इखलाक नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। यही वजह है कि ये पुराने जमाने में वापस जाना चाहता था और पुरानी सिविलाइजेशन को ये पसंद करता था, मॉडर्न सिविलाइजेशन इसको पसंद ना थी। ये तो ओल्ड को रिवाइव करना चाहता था, पुरानी रिवायात को पुराने रस्म व रिवाज को रख रखाव को ये रिवाइज करना चाहता था। नेक्स्ट आ जाते हैं जी द पोइट्री एंड प्लेस ऑफ यीट्स। अब इसकी पोइट्री इसके ड्रामास का जिक्र है कि चूंकि ये बुनियादी तौर पर आयरिश था और इसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आयरलैंड में बसर किया था, लिहाजा इसके ड्रामास में इसकी शायरी में आयरिश ट्रेडिशंस का एक वासे रंग दिखाई देता है। ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं। द पोइट एंड प्लेयर द पोइट्री एंड प्लेस ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स ऑफन टेक्स सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम ट्रेडिशनल आयरिश फोकलोर मिथ एंड लेजेंड ऑफ एंशियंट सेल्टिक ट्रेडिशंस। बड़ी अहम बात कही गई कि डब्ल्यू बी यीट्स के ड्रामास में इसकी पोइट्री में और इसने एसेज भी लिखा, वो एसेस्ट भी था। ये शख्स अपने सब्जेक्ट मैटर लिया करता था आयरिश फोक टेल से, आयरलैंड की लोक दास्तानों से, उस जमाने की मिथ माइथोलॉजी से और सेल्टिक ट्रेडिशंस यानी पुरानी इटालियन रिवायात की तरफ इसका झुकाव था। यीट्स
authored many plays that relied heavily upon the myths and legends of ancient Ireland. Some of them are on Byles stream, ye uske dramas ke naam hai. Wahi baat repeat ki gayi hai ki iske dramas mein, iski poetry mein आयरलैंड के रस्म व रिवाज का, ट्रेडिशंस का एक भरपूर जिक्र हमें देखने को मिलता है। अब अगर पोइट्री की बात की जाए तो इन इस पोइट्री का सेंस ऑफ नेशनलिज्म एज वेल एज ओवरराइडिंग पर्सनल इंटरेस्ट इन माइथोलॉजी एंड ओरल ट्रेडिशंस ऑफ फोक लोर कैन आल्सो बी सीन। अब तीन चीजें हमें नजर आती हैं इसकी पोइट्री में। जब हम इसकी पोइट्री का जिक्र करते हैं तो एक तरफ नेशनलिज्म पाया जाता है जो कि ये आयरिश था, और उस जमाने में सन 1800 की आखिरी दहाइयों में और सन 1900 के आगाज में आयरिश लिबरल मूवमेंट, आयरलैंड वालों की आजादी की तहरीक अपने अरूज पर थी। तो इसकी तहरीरों में हमें उस मूवमेंट का एक ओवरव्यू मिलता है, जिक्र मिलता है। इसके अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट थे, अपनी जातियात का जिक्र करता है, माइथोलॉजी का जिक्र करता है, ओरल ट्रेडिशंस ऑफ फोकलोर्स जो उस जमाने की फोकलोर्स जो लोग दास्तानें थी जो सीना बा सीना नई नस्ल को ट्रांसफर हुआ करती थी, यानी वो तहरीर में नहीं थी, किताब की सूरत में नहीं थी। उन फोक टेल्स का भी जिक्र इसकी शायरी में मिलता है। वो वहां से अपने थीम्स, अपने टॉपिक्स लिया करता था टू कंपोज पोइट्री अपनी शायरी की तख्लीक के लिए। ड्यूरिंग ईयर्स अर्ली कैरियर देयर वॉज एन ऑन गोइंग लिटरेरी रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन आयरिश लेजेंड एंड फोकलोर एंड ही हैज embrace the change and work for it. Yeats creates conspicuously an Irish literature, especially with patriotic feeling for Ireland. Okay. एक और बात इसकी शायरी के हवाले से कहेगी कि जब इसका इब्तदाई दौर था तो एक आयरिश ट्रेडिशन जन्म ले रही थी, आयरलैंड के अपने अंदाज की शायरी पनप रही थी, बढ़ रही थी। इस शख्स ने इस ट्रेडिशन को ना सिर्फ अपनाया बल्कि इसके लिए काम किया और आयरिश नेशनलिज्म का इजहार किया इसने अपनी पोइट्री में। ही वो मूव्स टुवर्ड्स अ डिस्टिंक्टली आयरिश सेंसिबिलिटी विद रिगार्ड टू लव ऑफ कंट्री। एक बार फिर से वही बात कि लव ऑफ कंट्री का जिक्र, वतन से मोहब्बत इसकी शायरी में मिलती है। For example, the poem Ireland in the Coming Times, Yeats draws upon Irish folklore and mythic symbols and sets them against a backdrop of national identity. इस पैराग्राफ को यहाँ पे स्टॉप करके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, क्योंकि इसमें उसी एक बात का जिक्र है कि एक तो आयरिश नेशनलिज्म का इजहार किया इसने अपने पोइट्री में, उसके बाद आयरलैंड की जो मिथ्स हैं उनका जिक्र किया। अच्छा जी, हिज इंट्रोडक्शन टू मॉर्ट गॉन बड़ा अहम टॉपिक है जनाब। मॉर्ट गॉन वो लड़की थी जो कि इसकी जिंदगी में आती है। इसने मॉर्ट गॉन को पसंद किया, इसको प्रपोज किया, उसने शादी करने से इनकार कर दिया, उसने किसी और शख्स से शादी कर ली। उसकी वफात के बाद दोबारा से डब्ल्यू बी यीट्स ने मॉर्ट गॉन को प्रपोज किया, बट शी रिजेक्टेड हर, अगरचे उनके दरमियान अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे, और ये उसकी जिंदगी की एक ट्रेजेडी बन गई थी। बहरहाल इसके बाद उसने शादी की किसी और से और उसकी शादी कामयाब भी रही, तो इसका जिक्र हम पढ़ते हैं। हिज इंट्रोडक्शन टू मॉर्ट गॉन एन एक्ट्रेस ऑफ डेसलिंग ब्यूटी एंड आयरिश रेवोल्यूशनरी अबाउट हुम ही रोट मैनी पोइम्स हैड अ टेलिंग इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, बट शी रिफ्यूज टू मैरी हिम एंड मैरिड द वेन ग्लोरियस लाउट मेजर जॉन मैकब्रिड इन 1903। जी, मॉर्ट गॉन जो कि उस जमाने की एक एक्ट्रेस थी, इंतहाई खूबसूरत थी और वो भी नेशनलिस्ट थी। इन दोनों का तारुफ इस तरह से हुआ था कि वो भी रेवोल्यूशनरी थी, इनकलाब पसंद थी, आयरलैंड की आज़ादी के लिए काम कर रही थी, ये भी इसी तहरीक से ताल्लुक रखता था। तो इन दोनों का सामना हुआ, ही फेल इन लव विद मॉर्ट गॉन, इसने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन उसने एक जनरल से शादी कर ली जो कि किरदार का, इखलाक का अच्छा बंदा नहीं था। उसके लिए लिखा गया है वेन ग्लोरियस लाउड, तीन नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए गए उसके लिए। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉन मैकब्रिज, और इसके एग्जीक्यूशन के बाद यानी इसको किसी मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई थी इसके खामी को। यीट्स अगेन प्रपोज मॉर्ट गॉन बट शी रिजेक्टेड हिम अगेन। हिज पैशनेट क्रेविंग फॉर मॉर्ट गॉन कैन बी सीन थ्रू आउट हिज पोइट्री।
तो दूसरी मरतबा भी इस खातून ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन क्या है कि इसकी शायरी में, तमाम तर शायरी में, शुरू से आखिर तक, जब से इस बाउटगोन को देखा था, शुरू से आखिर तक इसकी शायरी में इस लड़की का जिक्र, इसकी मोहब्बत का एक टच हमें मिलता है, यानी वो इसको कभी भुला ना सका। बहरहाल अब आ जाते हैं इसकी शादी की तरफ, की शादी तो इसने की थी। लेटर ही मैरिड जॉर्जी हाइडलिस इन 1917, विच वॉज अ हैप्पी रिलेशनशिप एंड इंस्पायर्ड ईयर्स फॉर अस सडन आउटबर्स्ट ऑफ हिज पोएटिक क्राफ्ट्समैनशिप। इसके बाद इसने किसी और खातून से 1917 में शादी की, यानी एक लंबा अरसा था 1903 से 1917 तक। मॉर्टगोन ने तो 1903 में पहली मरतबा शादी कर ली थी इस शख्स को, डब्ल्यू बी यीट्स को रिजेक्ट करने के बाद, लेकिन ये 1903 से 1917 तक उसकी उम्मीद में रहा, उसके इंतजार में रहा। दूसरी मरतबा भी इसको प्रपोज किया, लेकिन मॉर्टगोन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर आखिर 1917 में इसने शादी की और इसकी शादी कामयाब साबित हुई, और इसके बाद इसकी पोइट्री में खास तौर पर निखार आ गया, इसने बड़े पैमाने पर पोइट्री तख्लीक की। ये स्वासा ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, एंड टुगेदर विद लेडी ग्रेगरी एडवर्ड्स मार्टिन एंड अदर्स ही फाउंडेड द आयरिश थिएटर। आयरिश थिएटर का क्याम इसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि एक आयरिश लिटरेरी रिवाइवल चल रही थी उस जमाने में। कुछ लोग थे जो कि आयरलैंड के लिटरेचर को दोबारा से जिंदा करना चाहते थे, जो कि भूली बिसरी बात हो गई थी। उसमें डब्ल्यू बी यीट्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ना सिर्फ आयरिश लिटरेचर को इसने जिंदा किया, आयरिश स्टाइल में इसने शायरी की ड्रामास लिखे, बल्कि इसने आयरिश थिएटर भी बनाया जिसका पहले वजूद नहीं था। वहां पर खालिस आयरिश अंदाज के, आयरिश ट्रेडिशन से, आयरिश रस्म और रिवाज से ताल्लुक रखने वाले ड्रामास प्ले किए जाते थे। ये बनाने वाला था आयरिश थिएटर का, विच वॉज टू बिकम द एबे थिएटर। बाद में इसको एबे थिएटर का नाम दिया गया, एंड सर्व एज इट्स चीफ प्ले राइटर अंटिल द मूवमेंट वॉज ज्वाइंड बाय जॉन साइंग। इन 1923 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एज अ फर्स्ट आयरिश मैन। ओके, अगली बात क्या है कि जब आयरिश थिएटर इसने बना दिया, फिर इसको एबे थिएटर का नाम दिया गया, और इसने बड़े जोश और जज्बे से इस आयरिश थिएटर के लिए प्लेस भी लिखे। और एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब ये बहुत कुछ कर चुका था, बहुत सी पोइट्री और ड्रामास तख्लीक कर चुका था, तो फिर इसको पोइट्री में नोबेल प्राइज दिया गया, और ये पहला आयरिश पोइट था जिसको नोबेल प्राइज मिला था, और ये एक बहुत बड़ा एजाज था आयरलैंड के लिए। जी, और किधर गया, द नोबेल कमेटी डिस्क्राइब्ड हिज पोइट्री एज। ओके, अब जिन लोगों ने इसको नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट किया था, उन लोगों के अल्फाज हैं, ट्रिब्यूट खराज तहसीन है डब्ल्यू बी यीट्स के लिए। वो लोग कहते हैं कि इंस्पायर्ड पोइट्री विच इन अ हाईली आर्टिस्टिक फॉर्म गिव्स इम्प्रेशन द स्पिरिट्स ऑफ अ होल नेशन। यानी इसकी शायरी डब्ल्यू बी यीट्स की शायरी एक ऐसी शायरी है जो कि पूरी कौम की रूह का इजहार करती है। वो बात जो कि सारी कौम कहना चाहती थी, वो बात जो सारी कौम की जुबान पर थी, वो बात यीट्स की शायरी में नजर आती है। ही इज रिगार्डेड एज द नेशनल पोइट ऑफ द आयरलैंड। ये इसका दूसरा एजाज था जी। इसको नोबेल प्राइज तो मिला, लेकिन आयरलैंड के लोगों ने इसको अपना कौमी शायर करार दिया। आयरलैंड वाले इसे कौमी शायर का दर्जा देते हैं, जैसे हम पाकिस्तान वाले इकबाल को अपना कौमी शायर कहते हैं। यीट्स वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ द अमेरिकन एक्सपेट्रिएट पोइट एज़रा पॉन्ड्स। एज़रा पॉन्ड एक बहुत बड़ा नाम है, आपके सिलेबस में शायद शामिल नहीं है, लेकिन इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने पिछले सेमेस्टर में मॉडर्न पोइट्री का जिक्र किया था। एज़रा पॉन्ड एक अमेरिकन था, वो इंग्लैंड में आकर बस गया, उसने शायरी की और बहुत से शायरों को उसने गाइड किया, रहनुमाई की। एज़रा पॉन्ड ने बहुत से शायर तैयार किए थे, और डब्ल्यू बी यीट्स का भी अच्छा ताल्लुक था एज़रा पॉन्ड के साथ। आखिरी बात, विलियम बटलर यीट्स डाइड इन जनवरी 28, 1939। 1939 में इसकी डेथ होती है जी। तो चंद पॉइंट्स में यहाँ पर रिपीट करता जाता हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जब
ऑब्जेक्टिव पेपर बनाया करता हूँ, क्वेश्चन पेपर बनाया करता हूँ, तो उसमें मैं किस तरह के सवाल सेट करता हूँ। डब्ल्यू बी यीट्स का खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस खुलासे को याद रखिएगा, इसको एक मरतबा पढ़कर मेरी बताई हुई बातों को, पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे, पेपर के हल करने में आसानी होगी। याद रखने के डब्ल्यू बी यीट्स वॉज एन आयरिश पोइट, आयरिश था, 2 साल की उम्र में इंग्लैंड में तो आ गया, लंदन सिटी में तो आ गया था, लेकिन इसने अपना बड़ा हिस्सा आयरलैंड के गांव में बसर किया जिसका नाम सेलाइगो है, वहां वो उसका ननियाल का गांव था, और आयरलैंड की ट्रेडिशंस ने, रस्म और रिवाज ने इसको बड़ा मुतासिर किया। दूसरी बात, डब्ल्यू बी यीट्स की शायरी में आयरलैंड से मुतलिक नेशनलिज्म का जिक्र है, फिर इसकी शादी के जिंदगी के हालात हैं कि हाउ ही वॉज रिजेक्टेड ट्वाइस, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, इसको नोबेल प्राइज दिया गया, डब्ल्यू बी यीट्स को आयरलैंड का नेशनल पोइट का दर्जा दिया गया, और फिर 1932 में इसकी डेथ होती है। इन सारी बातों को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डब्ल्यू बी यीट्स से मुतल्लिक और इसकी शायरी को समझने से मुतल्लिक। तो डब्ल्यू बी यीट्स को समझ लेने के बाद अब इसके बाद हम आते हैं इसकी पहली नज़म की तरफ। आज हम इसकी पहली नज़म पढ़ेंगे, और जो लोग क्लास में मौजूद हैं काइंडली जी आर साहब अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो ज़रा अपनी अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और काइंडली लोगों से कहें कि ड्रॉप मत किया करें, बाद में फिर मुझे कहा जाता है कि सर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। ओहो सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं इसकी पोइट्री की तरफ। जो कुछ अब तक मैंने पढ़ा डब्ल्यू बी यीट्स की लाइफ हिस्ट्री से मुतल्लिक, पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया था, आपके ग्रुप में शेयर किया था, मॉडर्न पोइट्री के नाम से एक फाइल मैंने आपके साथ शेयर की थी, एमएस वर्ड में बनी हुई। मैंने डब्ल्यू बी यीट्स का जो भी जिक्र पढ़ा है वो उसी फाइल से पढ़ा है, उसमें मौजूद है। काइंडली उसको दोबारा से तलाश कर लीजिएगा, सर्च एंड रिसर्च कीजिएगा। उसके बाद ये जो इसकी सिलेक्टेड पोइम्स हैं डब्ल्यू बी यीट्स की, ये रात मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर की थी, आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। सेलिंग टू बेजेंटाइन का जिक्र आता है जी, आज हम इसकी ये नज़म पढ़ेंगे सेलिंग टू बेजेंटाइन। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बेजेंटाइन क्या था। बेजेंटाइन एक शहर का नाम है। आजकल आप लोग एक ड्रामा देखते होंगे अर्तुगरुल गाजी, उसमें बेजेंटाइन का अक्सर जिक्र सुनने को मिलता है जी। तो बेजेंटाइन क्या था, ये एक शहर का नाम है, इसकी तफसील हम आपके लिए पढ़ते हैं। बेजेंटाइन इज द ओल्ड नेम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर। लो जनाब, इसकी 3 या 4 इंपॉर्टेंस हैं जी बेजेंटाइन की। बेजेंटाइन एक शहर का नाम था, मौजूदा मुल्क तुर्की उसका एक शहर है। बेजेंटाइन को पुराने जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते थे, इसको बेजेंटाइन भी कहते थे, आजकल इसको इस्तांबुल कहते हैं। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में, कदीम सल्तनत उस्मानिया के दौर में तुर्की का दारुल हुकूमत हुआ करता था। जब रोमन एम्पायर खत्म हुई, या फिर जब यूरोप में रोमन तसल्लुत था, कब्जा था, तो ये क्रिश्चियनिज्म का गढ़ था, मरकज था, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का मरकज था बेजेंटाइन सिटी, और क्रिश्चियंस को इस पर बड़ा फख्र था। जबकि मुसलमानों ने बेजेंटाइन या कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई हुई थी, जान की बाजी लगाई हुई थी, और बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद, कई सालों की बल्कि कई 100 सालों की जद्दोजहद के बाद, बिल आखिर कॉन्स्टेंटिनोपल मुसलमानों के हिस्से में आया था। ओके, बेजेंटाइन द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन विच डोमिनेटेड द सेकेंड द सीन आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन केम टू
seen to yeats and ideal of culture and wisdom. ये जो शहर था कॉन्स्टेंटिनोपल, ये कल्चर का मरकज था और विजडम अकल जहानत का आइडियल समझा जाता था। जो भी क्रिश्चियन वर्ल्ड के लोग थे, जितने भी क्रिश्चियंस थे, उनका ख्याल था कि उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी अकलमंद साहिब इलम आलिम फाजिल स्कॉलरली पीपल हैं वो बेजेंटाइन में पाए जाते हैं। बेजेंटाइन उनके लिए बड़ा मुकद्दस था, उनके कल्चर का सेंटर था, मरकज था। अब आ जाते इस नज़म की तरफ। इन सेलिंग टू बेजेंटाइन यीट्स फेसेस ओल्ड एज विद द विश टू फॉरगेट हिज डिकेइंग बॉडी एंड एजुकेट हिज सोल फॉर इमोर्टैलिटी। अब जब हम इस नज़म की बात करते हैं तो बेजेंटाइन का जिक्र डब्ल्यू बी यीट्स ने इस तरह से किया है कि शायर कहते हैं कि आज का जो दौर चल रहा है इसमें सिर्फ मादा प्रस्ती है, दुनियादारी है और शायर बूढ़ा हो चुका है। लिहाजा वो कहता है कि मैं चाहता हूं, शायर कहता है, डब्ल्यू बी यीट्स कहता है कि वो चाहता है कि उसका बूढ़ा जिस्म अब उसका साथ छोड़ दे, उसकी रूह को रूहानियत मजहबी गीत इंसानियत सिखाई जाए। इस मकसद के लिए वो बेजेंटाइन की तरफ का सफर करना चाहता है रूहानी तौर पर, ना कि जिस्मानी तौर पर। वहां वो मुकद्दस गीत सीखेगा मजहब का, इंसानियत से मोहब्बत का, और इस तरह से वो इंसानियत की तबलीग के लिए, मोहब्बत की तबलीग के लिए अमर हो जाएगा। उसके ख्याल में उसका वजूद इस दुनिया से ताल्लुक रखता है जबकि वो इस दुनिया के लिए नहीं बना, वो मजहब से ताल्लुक रखता है। इस नज़म को पढ़ना शुरू करते हैं। इस नज़म में पहले स्टैंजा में शायर दुनियादारी का जिक्र करता है, उसका ख्याल है कि इस दुनिया में सिर्फ एक चीज पाई जाती है। अब जबकि डब्ल्यू बी यीट्स जिंदा है और बूढ़ा हो चुका है तो उसके सामने दुनिया में सिर्फ एक चीज है और वो है मादा प्रस्ती, नफ्स प्रस्ती, सिर्फ अपने आप पर तवज्जो देना, अपनी जात के लिए लज्जत का हसूल, और कुछ नहीं रह गया इस दुनिया में। तो लिखते हैं कि देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, बर्ड्स इन द ट्रीज, दोस डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग। इन फर्स्ट थ्री लाइंस में कहते हैं कि देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, बूढ़े लोगों के रहने की तो जगह रही ही नहीं है ये दुनिया, यानी इस दुनिया में अब बूढ़े लोगों का क्या काम है। यहां पर यंग इन वन अनदर आर्म्स, ये जो नौजवान है, ये मर्द और औरतें एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के साथ लज्जत लेने में मसरूफ है। इनकी जिंदगी का बस एक मकसद रह गया है और वो क्या है, इंटरटेनमेंट थ्रू सेक्स। बर्ड्स इन द ट्रीज, परिंदे भी दरख्तों में बैठे यही कर रहे हैं। दोस डाइंग जनरेशंस, और इन्हें शायर ने डाइंग जनरेशंस कहा है, मर जाने वाली नस्ल, यानी इंसान, परिंदे, जानवर, जितने भी जानदार हैं, इन सबको मर जाना है, ये डाइंग जनरेशन है, मगर अफसोस के ये सब अपनी असल भूल चुके हैं और सिर्फ अपनी मादा परस्ती में, नफ्स की लज्जत में लगे हुए हैं। एट देयर सॉन्ग, अपने ही गीत में ये मसरूफ हैं। और एट देयर सॉन्ग से मुराद उनका क्या गीत हो सकता है, यानी इस दुनिया से मुतल्लिक वो गीत गाते हैं, इसकी रंगीनियों से मुतल्लिक, इसकी खूबसूरती से मुतल्लिक ये सब गीत गाते हैं और उनकी जिंदगी का यही मकसद रह गया है। द सैल्मन फॉल्स, द मैक्रिल, क्राउडेड सीज, फिश फ्लैश और फॉल, कमेंड ऑल समर लॉन्ग, वट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड आई। ओके, अब तमाम तर मखलूकात का जिक्र करता है। सैल्मन एक मछली का नाम है जो कि सर्द बर्फानी पहाड़ी इलाकों की नदियों में, दरियाओं में पाई जाती है। मैक्रिल समंदर में पाई जाने वाली एक मछली है। कहते हैं कि जितने भी सैल्मन मछलियां हैं और समंदरों में जो मैक्रिल के बड़े बड़े झुंड हजूम मिलते हैं, लफज फॉल का जिक्र हुआ, सैल्मन फॉल्स, मतलब ये अपने मकाम से गिर गए हैं, सारे जानदार अपने इखलाकी मजहबी मकाम से गिर गए हैं। अब उनके सामने सिर्फ एक काम है और वो है जिस्मानी लज्जत, दुनियादारी और दुनियादारी से लुत्फंदोज होना। फिश फ्लैश और फॉल, हम यहाँ पर फ्लैश का मतलब लेंगे इंसान, यानी मछलियां, इंसान, फॉल परिंदे,
ये सब क्या करते हैं, कमेंड ऑल समर लॉन्ग वट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाई। ये सारा मौसम गर्मा समर सीजन में अपनी दुनियादारी के गीत गाते हैं, दुनिया की लज्जतों की तारीफ करते हैं, दुनिया की लज्जतों से लुत्फंदोज भी होते हैं। इसके अलावा इनके पास करने को और कोई काम नहीं रहा, और इनके लिए सारों के लिए शायर ने इस्तेमाल किया वट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाई। हर वो मखलूक जो पैदा होती है, जिसको पैदा किया जाता है और जिसको मर जाना है, वो सारी मखलूकात अब इसी काम में लगी हुई हैं। Caught in that sensual music, all neglect mountains of unaging, monument of unaging intellect। इन सारी मखलूकात ने भुला दिया है किस चीज को, मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट को। अनएजिंग यहां मतलब है इमॉर्टल, वो चीज जिसको फना नहीं है, वो चीज जिस पर जवाल नहीं है, जिसे मौत नहीं है, यानी मजहब, यानी इखलाकियात, यानी दूसरी दुनिया की तैयारी। वो कहता है कि इस दुनिया की तमाम तर मखलूकात ने उस चीज को भुला दिया है जिसको मौत नहीं है, जिसको फना नहीं है, और वो अगली दुनिया है, वो दूसरी दुनिया है, वो इखलाकियात है, वो अच्छे अमाल हैं जो हमारे साथ चलने हैं। वो सब इसको भुलाकर अपनी दुनियादारी में लगे हुए हैं, मसरूफ हैं। अब इस पहले स्टेंजा में शायर बड़ा ही पेसिमिस्ट है, मनफी अंदाज में, नेगेटिव अंदाज में बात करता है। दूसरे स्टेंजा पे आते हैं जी, लिखता है कि एन एजिंग मैन इज बट अ पेल्ट्री थिंग। An aged man is but a paltry thing। Paltry मतलब होता है ordinary, घटिया, गैर अहम। उसने कहा कि इस दुनिया में अब बूढ़े शख्स की तो हैसियत ही कोई नहीं रह गई। A tattered coat upon a stick। और एक बूढ़ा शख्स बिल्कुल ऐसे है जैसे tattered coat यानी फटा पुराना coat किसी लकड़ी से लटकाया गया हो, मतलब बुजुर्ग हो चुका है एक इंसान, जिस्म उसका ढल गया, कमजोर पड़ गया, और उसके जिस्म पर उसके अपने ही कपड़े ढीले पड़ गए हैं। ऐसे दिखता है जैसे स्टिक के साथ कोट लटकाया गया हो। ऐसे खस्ता हाल बूढ़े शख्स का क्या काम है इस दुनिया में, और ऊपर से बूढ़ा शख्स भी ऐसा जिसके हाथ में कुछ नहीं, लिबास तक उसका फटा हुआ है, गरीब है, बीमार है, खस्ता हाल है, उसका कोई काम नहीं इस दुनिया में, उसकी कोई हैसियत नहीं इस दुनिया में। Unless soul clap its hands and louder sing for every tatter in its mortal dress। Unless soul claps its hand and sing, कहता है कि उस वक्त तक बूढ़े शख्स की कोई हैसियत नहीं है जब तक कि उसकी रूह न गीत गाने लगे। अब रूह के गीत गाने का मतलब ये है कि अगर तो वो बूढ़ा शख्स रूहानियत की तालीम हासिल कर चुका है, उसकी रूह को पता चल चुका है कि वो लाफानी है, अगर उसकी रूह लाफानियत का गीत गाती है, खुदा की तारीफ करती है, और इस बूढ़े शख्स के जिस्म के एक एक हिस्से से खुदा की तारीफ का इजहार होता है, अबदी जिंदगी पर ईमान रखने का इजहार होता है, उसकी रूह के पास अगर ये तालीम है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज एक बूढ़े शख्स की इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। फॉर एवरी टेडर इन इस मॉर्टल ड्रेस, यहां पर मॉर्टल ड्रेस से मुराद होगा ह्यूमन बॉडी, इंसानी वजूद। नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस। अब एक बार फिर से मनफी अंदाज में दुख का इजहार करते हुए कहते हैं कि नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग, कि इस दुनिया में अब कोई ऐसी दरसगाह नहीं रही, सिंगिंग स्कूल का जिक्र किया, गीत सिखाने वाला स्कूल, यानी कोई ऐसी दरसगाह नहीं रही जहां रूहानियत का सबक सिखाया जाए, जहां पर ईमानदारी, इंसाफ और सच्चाई का सबक सिखाया जाए। अब आप जहां भी सीखने के लिए जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, बट सिंगिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ऑन मैग्निफिसेंस, वो तो अपनी ही शान और शौकत के गीत गाते हैं, यानी जिस किसी भी मदरसे में, स्कूल में चले जाओगे, वो अपना अलहदा ही सबक पढ़ाएंगे, और उनका सबक दुनियादारी का सबक होगा, रूहानियत का, सच का, इंसाफ का सबक तुम्हें नहीं मिलेगा।
इन हालात में अगर तो तुम्हारी रूह सच्चाई का सबक सीख गई है तब तो ठीक है, वरना एक बूढ़े शख्स की इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। ये खुलासा है जिस सेकंड स्टैंजा का। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बेजेंटाइन, इसीलिए मैं यानी शायर समंदर पार करके इस मुकद्दस शहर बेजेंटाइन में आ गया हूं। तो हकीकत में शायर बेजेंटाइन में आया नहीं, वो अपने तस्वुर में बेजेंटाइन में है। तो जनाब आज के लेक्चर का टाइम यहाँ पर खत्म होता है। आज हमने डब्ल्यू बी यीट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे सिलेबस के मुताबिक एक तीसरा शायर है। हमने इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, इसकी ज़िंदगी के अहम हालात पढ़े, इसकी शायरी किस तरह की है वो पढ़ा कि इसकी शायरी में आयरिश मूवमेंट का जिक्र है। उसके बाद इसकी एक नज़म हमने पढ़ी है जो कि कल इंशाल्लाह कंप्लीट की जाएगी। तो आज के लिए अपने डीजी को इजाज़त दीजिएगा, कल इंशाल्लाह इसी नज़म के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी अटेंडेंस का।